गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड कैसे हो बच्चों आप? क्लास थर्ड के सभी बच्चे अपनी हिंदी की मयूर पंख बुक निकालिए। क्लास थर्ड के सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक निकालिए। आज आप इसमें पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड, पार्ट तीन निकालिए, अरुणाचल प्रदेश। पार्ट तीन, अरुणाचल प्रदेश। देखिए पार्ट का सार यह है कि हमारे देश की जो सांस्कृतिक विविधता का सबसे बड़ा कारण है यहाँ की भौगोलिक विविधता और क्षेत्रीय मान्यताएं। ऐसे एक विशेष राज्य की कुछ खास बातों का जिक्र इस पाठ में किया गया है। आइए देखिए इस पार्ट की रीडिंग लगाते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है, एक प्रदेश में लोग गुफाओं में रहते थे। सबसे पहले किंड्रालोम और किंचालाला ड्रम ने अपने लिए घर बनाने का निश्चय किया, पर उन्हें घर बनाना तो आता ही नहीं था। इन दोनों ने जंगली जानवरों से सलाह लेने की सोची। सबसे पहले उन्हें हाथी मिला। हाथी ने उनकी बात सुनकर कहा, मकान बनाने के लिए मेरी टांगों के बराबर मजबूत खंभे बनाओ, फिर क्या करें? दोनों ने पूछा। हाथी ने कहा, बस मैं इतना ही जानता हूँ। वे दोनों जंगल में और आगे बढ़े। फिर उन्हें एक सांप मिला। सांप ने उन दोनों की और हाथी की बात सुनकर कहा, हाथी की टांगों के बराबर मजबूत खम्भों को जमीन में चारों कोनों पर गाड़ दो और मेरी लंबाई के बराबर बल्लियों को उनके ऊपर जमा दो, फिर क्या करें? उन दोनों ने पूछा। बस मैं इतना ही जानता हूँ, यह कहकर सांप बिल में घुस गया। चलते चलते वे और आगे गए। वहां उन्हें एक भैंस मिली। उस भैंस के पास एक मरी हुई भैंस की हड्डियों का ढांचा पड़ा था। उन दोनों ने उसे मकान बनाने की बात और हाथी व सांप की सलाह बताई। भैंस ने हड्डियों के ढांचे की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसा यह हड्डियों का ढांचा है ऐसी मकान अपने मकान की छत बनाओ। इसके बाद क्या करना होगा? दोनों ही बोले। भैंस ने उत्तर दिया, मैं इतना ही जानती हूँ। वे दोनों वहां से चल पड़े और मछली के पास पहुंचे। उन्होंने मकान की सारी बातें सुनाई। सुनकर मछली बोली, ध्यान से मेरी पीठ की बनावट को देखो, बहुत सी पत्तियां जमा करो और उस ढांचे के ऊपर पत्तियों को बिछा दो। पत्तियों को इसी होशियारी से बिछाना कि पानी अंदर नहीं जा सके। गुफा में आकर किंड्रालोम और किंचालाला डम ने वैसा ही किया जैसी सलाह जानवरों ने दे दी थी। इसी तरह सबसे पहले उन दोनों का मकान बन गया और वे सुख से रहने लगे। जानते हो यह लोक कथा कौन से प्रदेश की है? यह लोक कथा है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का उत्तर पूर्वी राज्य है। हमारे देश में जिस हिस्से में रोज सूरज की पहली किरण पड़ती है वह अरुणाचल प्रदेश ही है, इसीलिए इसका यह नाम बिल्कुल सही है। अरुण सूरज का सारथी है और अचल का अर्थ होता है पहाड़। एक बात और, यहाँ के लोग सूरज और चांद की पूजा करते हैं, इसीलिए भी इस प्रदेश का अरुणाचल नाम सही है। अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ दूर दूर तक पहाड़ है। ऊंचे पहाड़ों पर सदा बर्फ जमा रहती है। इन पहाड़ों के बीच गहरी गहरी घाटियां हैं जिनमें कलकल करती नदियां
बहती है। यहाँ के लोगों को नदियों से बहुत प्रेम है, तभी इन्होंने अपने जिलों के नाम नदियों के नाम पर रखे हैं। कामेंग, सुवनसिरी, सियोंग, लोहित और तिरप अरुणाचल प्रदेश की मुख्य नदियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के नाम सियांग और दिहंग है। अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में हाथी, शेर, तेंदुआ, हिरण, भालू और तरह तरह के बंदर रहते हैं। पेड़ों पर रंग बिरंगे पंछी चहचहाते हैं। नदियों में तरह तरह की रंग बिरंगी मछलियां तैरती हैं। यहाँ के लोग गोरे चिट्टे, हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त हैं। आगे खोलिए। अरुणाचल प्रदेश में कई जनजातियां हैं, इनकी अलग अलग बोलियां हैं। रीति रिवाजों और रहन सहन थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग एक से है। अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर लोग खेती करते हैं। यहाँ के अधिकतर लोगों की खेती स्थानांतरी खेती है, जिसे यहाँ की बोली को झूम कहते हैं। लोग पहले पेड़ पौधों को काटते हैं, उन्हें जलाते हैं, उनकी राख को मिट्टी में मिलाते हैं, फिर खोद खोद कर बीज बोते हैं। इसमें वे न खाद देते हैं न पानी, फसल के पकने पर उसे काट देते हैं। दो तीन साल में जमीन का उपजाऊ खत्म हो जाता है तो ये लोग नई जगह जाकर फिर नए ढंग से शुरुआत करते हैं। इस तरह की खेती में जंगलों का नाश होता है और मिट्टी कटकर बह जाती है। जब कोशिश हो रही है कि खेत पक्की तरह से हमेशा के लिए बना लिया जाए। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य फसल धान है। धान के पौधों की रोपाई के साथ ये खेत में छोटी छोटी मछलियां भी छोड़ देते हैं। धान के पौधों के साथ मछलियां भी बड़ी होती जाती हैं। फसल काटने से पहले ये मछली पकड़ लेते हैं। धान के अलावा दूसरे अनाज और फल सब्जियां अरुणाचल प्रदेश में खूब उगाए जाते हैं। खेतों में ज्यादातर काम औरतें, लकड़ियां और बच्चे करते हैं, लड़कियां और बच्चे करते हैं। यहाँ लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का महत्व अधिक है। विवाह के लिए लड़के वाले लड़की ढूंढते हैं, लड़के वाले ही लड़की वालों को भेंट देते हैं। यहाँ वे माता पिता खुशकिस्मत समझे जाते हैं जिनकी लड़कियां ज्यादा होती है। शादी विवाह और त्योहारों पर यहाँ के लोग खूब नाचते गाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की आदि बोली में माँ को अनी, पिताजी को अनु कहते हैं, दादा को इजी, दादी को इकम, भाई को असी और बहन को अनई कहते हैं। खेती में काम करके अरुणाचली औरतें जब घर लौटती हैं तो पीठ पर बंधे टोकरी में बैठे बच्चे को लोरी गाकर सुलाती हैं। ये आज आपका चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर की हमने आपको रीडिंग लगवाई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।